जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है महिंद्रा XUV 300 का बेस वेरिएंट। देखो जब गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी, कीमत कंपनी ने बोला था 7,49,000 और जो है इसका सीधा सीधा सदमा लगा था टाटा की नेक्सॉन को। लेकिन बात करें कि इसके फीचर्स की, कि क्या अंदर मिलेगा क्या बाहर मिलेगा, प्राइस मैंने आपको बता दिया 7,49,000 से शुरू होती है। तो देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों सामने है महिंद्रा XUV 300 का बेस वेरिएंट, मतलब MX1 वेरिएंट। देखो जब महिंद्रा XUV 300 लॉन्च हुई थी तो कीमत का बहुत हल्ला मचा था, भैया ये इतने सस्ते दाम में गाड़ी कैसे लॉन्च हो गई, इतनी अच्छी गाड़ी, शानदार। तो देखो सारे फीचर्स देखेंगे एक एक करके आज क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस वगैरह की बात कर लेता हूँ और फिर इंजन की बात करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ शुरू से लेकर एंड तक क्या कुछ मिलेगा। तो देखो MX1 वेरिएंट है, ये तो मैंने बता दिया, पेट्रोल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, ठीक है। कीमत एक्सोरूम 7,49,000 और अगर इंजन की बात करें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन देखने के लिए मिलता है, 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। माइलेज कंपनी ने 18 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो चाबी देख लो भाई, देखो दो की मिलेंगी, शेप तो इनकी रिमोट की जैसी है लेकिन बटन एक भी नहीं है, किसी भी चाबी पर कोई बटन नहीं है दोस्तों, देख रहे हो इस तरीके से। यहाँ पर अगर इसे खोलें तो ये फिजिकल की निकल आती है, बाकी यहाँ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है लेकिन बटन एक भी नहीं मिलेगा। तो ये की जो है ना मैनुअल की है, रिमोट की नहीं है, तो इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। चलो देखो फ्रंट से शुरू करते हैं दोस्तों क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो देखो प्रोजेक्टर यूनिट मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये DRL मिल जाता है, यहाँ पर ये इस तरीके से नीचे इंडिकेटर मिल जाता है, सब कुछ LED बेस्ड मिलेगा। और थोड़ा सा पीछे आ जाए तो पीछे की तरफ देख लो भाई, महिंद्रा की ये वाली ग्रिल आपको यहीं पर मिल जाएगी, नई ग्रिल आई है, आपने देखा होगा ऊपर से तो कवर्ड है ये इस तरीके से, नीचे कुछ इस तरह की ग्रिल मिल जाती है। ज़्यादा अंतर नहीं है, बदलाव नहीं है बाहर की तरफ। यहाँ साइड में व्हील आर्चेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, इसके ऊपर जो है ऊपर एक कट का निशान बना हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो 265/65 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का स्टील रिम मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं दोस्तों, और साइज वगैरह में बता दिया, अपोलो को आपको टायर मिलेगा। अगर थोड़ा सा इधर आ जाए तो देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेस वेरिएंट में ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल रहा है दोस्तों, नेक्सॉन में ये चीज़ नहीं मिलती है। उसके बाद देखो चाबी आपको यहाँ पर लगानी है, यहाँ पीछे वाला डोर हैंडल्स मिल जाएगा पीछे इस तरीके से देख लो, और थोड़ा सा पीछे आ जाए तो टेल लाइट देख लो भाई। देखो इस बेस वेरिएंट में और बेस से लेकर MX3 वेरिएंट तक जो है कनेक्टेड टेल लैंप आपको जो है देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पर बात करें तो देखो LED इंडिकेटर मिल जाता है, ये लाइट LED मिल जाती है, यहाँ रिवर्स लैंप मिल जाती है इस तरीके से, और पीछे की तरफ देखें तो नीचे रिफ्लेक्टर मिलेगा, यहाँ सिल्वर फिनिश और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं पीछे की तरफ। XUV 300 की ब्रांडिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, ना डिफॉगर मिलेगा ना रियर वाइपर मिलेगा, लेकिन हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है, एंटीना भी नहीं मिलेगा पीछे की तरफ। अब देखो इसका बूट ओपन कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे आ गए। अब देखो बूट कैपेसिटी की बात करो, 364 लीटर की कैपेसिटी महिंद्रा ने बोली है, और नेक्सॉन की जो कैपेसिटी है वो 385 लीटर आती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इस पर लगेज रख के देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो बराबर ही आता है, बिल्कुल भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। बेस वेरियंट में पार्सल ट्रेन नहीं मिलती, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60/40 में सीट स्प्लिट हो जाती है, ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। स्पेस मैंने दिखाई दिया आपको, सफिशियंट मिलेगा। उसके बाद नीचे स्पेयर व्हील देख लें तो नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाएगा, सेम साइज का ही ऑलमोस्ट मिल रहा है स्पेयर व्हील, तो ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये हुक मिल जाता है, मैक्सिमम 5 किलो का, या फिर आप इसे खोल लो तो इस पर आप 7 किलो टंगा सकते हो, तो इस तरीके का ये हुक मिल जाएगा यहाँ पर। ये है दोस्तों इसका प्रोफाइल, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको टेलगेट प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी, लेकिन आपको व्हाइट कलर देखने के लिए मिलेगा अंदर पूरा। ऐसे कर देता हूँ बंद, अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर और क्या कुछ मिलेगा, तो चलते हैं अंदर की तरफ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। करते हैं डोर ओपन, सबसे पहले डोर ट्रिम देख लो भाई, पूरा प्लास्टिक का यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, अच्छी बात है ये दोस्तों, नेक्सॉन में नहीं मिलती हैं इसमें मिलती हैं। चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। डोर हैंडल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर देखें तो ट्विटर की जगह मिल जाती है, ट्विटर और स्पीकर इस गाड़ी में नहीं मिलते, मतलब कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। मैं पॉकेट बॉटल होल्डर यहाँ पर देख लो, व्हाइट कलर है तो थोड़ा सा गंदा ज़्यादा होने वाला है, इसकी आपको सेफ्टी करनी पड़ेगी। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पर देखें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। बेस वेरियंट में हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, रिक्लाइन एंगल आपको यहाँ से चेंज करना है, तीनों पैडल यहाँ मिल जाएंगे लेकिन डेडिकेटेड डेड पैडल आपको नहीं मिलता है।
यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब अंदर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखो भाई, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। देखो मुझे तो फुली डिजिटल से अच्छा ये वाला लगता है दोस्तों। एनालॉग मिलते हैं यहाँ पर, टैकोमीटर, यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है, और ये फ्यूल गेज वगैरह, टेम्परेचर वगैरह है ना, ये सब आपको डिजिटल मिल जाते हैं। बीच में एक MID मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें तो आपको वॉशर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और इधर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग पे बात करें, कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह बना रखी है, इस तरीके से कट लग रखा है, तो आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो जाता है। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है, ठीक है। उस तरफ देखें तो यहां पर देखो म्यूजिक सिस्टम आता है, लेकिन इस वेरिएंट में आप जानते हो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये सिंपल वेरिएंट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर ये बंद आया लगा हुआ, महिंद्रा का ये कैप लगा हुआ है। आपका सबसे पहला काम यही होगा, इस वेरिएंट को अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम लगवा लो, उसके बाद एसी वेंट ये हो गया। यहां पर हेजार्ड बटन हो गया, यहां पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसके लिए बटन हो गया, यहां पर ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए हो गया। देखो यहां से आप देखो तो ये देख रहे होगे ट्रिप वगैरह चेंज हो रही है कि नहीं, तो इसे जो है यहां से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको मोड चेंज करने के लिए आ गया, कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड, ये देख सकते हो। आपको बेस वेरिएंट में भी मिलना है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाता है आपको यहाँ पर, सारा टेम्परेचर वगैरह यहाँ से होगा, फैन स्पीड वगैरह आपको यहाँ से कम ज्यादा करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद देखो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर देखो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट मिल रहा है बेस वेरियंट में दोस्तों, और क्या चाहिए। और सफिशियंट सा स्टोरेज मिल रहा है, काफी जगह है दोस्तों बेस वेरियंट में भी। एक काम करता हूँ, देखो लाइट जला दी मैंने, तो इस तरीके का आपको ये स्टोरेज मिल जाता है। हालांकि स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेदर रैप्ड मिलेगा, ये अच्छी चीज है दोस्तों। इस पिन्नी को दोबारा से पहना देता हूँ, नई गाड़ी है भाई, किसी के लिए खराब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ग्लोव बॉक्स देख लो भाई, सफिशियंट सा स्टोरेज, बहुत अच्छा सा मिल जाता है। और देखो यहाँ पर 3 पैटर्न मिल जाएंगे, ये ब्लैक मिलेगा, ये ग्लॉस मिलेगा, और ये व्हाइट टच मिल जाता है। व्हाइट टच देखो गंदा थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, ये इस तरीके का रहेगा। और यहाँ पर देखो इस तरीके से ये जो है ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भाई कसम से इस पर तो हाथ लगते ही गंदा होगा, ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर पैसेंजर साइड, मतलब ड्राइवर साइड में जो सनसेट है वो भी नॉर्मल वाला मिलेगा, डे नाइट वाला आपको IRVM मिल जाता है, ये अच्छी बात है दोस्तों। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप। सारी चीजें ऑलमोस्ट दिखाई दी मैंने यहाँ पर, ये सब हाँ दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, रियर सीट पर चलते हैं, वहां क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं पीछे की तरफ, अब चलते हैं बाहर की तरफ और रियर सीट पे देखते हैं वहाँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो करता हूँ डोर को ओपन। सबसे पहले तो डोर ट्रिम्स देख लो, सब कुछ प्लास्टिक में मिल रहा है, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब अंदर बैठ के बात करेंगे, तो आ गए हम अंदर की तरफ, ठीक है। ये चीज बहुत शानदार है दोस्तों, बेस वेरिएंट के अंदर आपको पीछे रियर एसी वेंट मिल रहा है, और क्या ही चाहिए आप बताइए, बहुत शानदार। मोबाइल रखने के लिए स्पेस, टाइप सी पोर्ट और नीचे एक 12 वोल्ट का पोर्ट, कसम से मजा आ गया भाई, अल्टीमेट चीज है। और पीछे से डैशबोर्ड देख लो भाई, क्या शानदार डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, बहुत मजेदार दोस्तों, बहुत मजेदार। ये चीज मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये डोर ट्रिम्स वगैरह देख लो, ऊपर की तरफ ये देख लो, ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऐसा मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में। यहाँ पर ये लाइट लगी हुई मिल जाती है, आप इसे इस तरीके से ऑन कर सकते हो। देखो 6 एयरबैग गाड़ी में मिल जाते हैं, सेफ्टी के लिए ABS EVD तो मिल जाता है। पीछे मैंने आपको स्पेस दिखा दिया, पीछे की तरफ जो है आपको वो नहीं मिलेगा, पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। 60-40 में सीट स्प्लिट हो जाती है, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, और क्या ही चाहिए दोस्तों, अल्टीमेट दोस्तों, अल्टीमेट। अब एक काम करते हैं, जो है इसका हुड खोल के देखते हैं इंजन बे के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ, अब देखो दिखाता हूँ इंजन में, और यहाँ से करता हूँ ओपन इस तरीके से, और आ जाता हूँ इस तरफ, और यहाँ पर आ जाओ। देखो भाई भाई देखो इंजन भी देखो ना, कसम से बोनट है ना, सच में इतना भारी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और यहाँ पर देखो ये है कुछ इस तरीके का टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर इंजन। यहाँ पर आपको टर्बो चार्जर वगैरह लगा हुआ दिख जाएगा, एयर इंटेक के लिए पाइप वगैरह दिख जाते हैं। यहाँ से आपको वॉशर, ये कूलेंट है, यहाँ पर वॉशर वगैरह फिल आपको यहाँ पर करना है, ये कैप लगा हुआ है। उसके बाद देखो ऑयल वगैरह के लिए सब मिल जाते हैं, एमरॉन की बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है। भाई अल्टीमेट लग रही है गाड़ी कसम से, इसे मैं बंद कर दूंगा आप देखो, और मुझे तो अल्टीमेट लगी दोस्तों। अब देखो इस पे जो है डिस्काउंट वगैरह की बात करूँ तो महिंद्रा ने इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि MX वेरिएंट की जो है, MX1 वेरिएंट की जो है ना, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसे मैं बंद करता हूँ और फिर वीडियो को एंड करता हूँ।
तो फाइनली दोस्तों ये थी महिंद्रा XUV 3XO का बेस वेरिएंट, मतलब MX1 वेरिएंट, 7,49,100 रुपए कीमत में। बाकी सारी मैंने डिटेल आपको दे दी। अब आप बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी। अब आपको कोई भी सवाल जवाब होना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।